गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मो। कैसे हो आप सब? आई होप गाइस आप सब अपनी अपनी लाइफ में ना बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो। गाइस आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक ऑनियन ऑयल एंड एक ऑनियन शैम्पू की, ब्रांड बाय आदिदेव आयुर्वेदा। इन दोनों प्रोडक्ट को गाइस मैं लगभग वन मंथ से ना यूज कर रही हूँ। इनका क्या रिजल्ट है, इनके बारे में गाइस डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप वन वर्ड में इनके बारे में जानना चाहते हो, किसी किसी को लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है, अगर आप वन वर्ड में जानना चाहते हो ना, मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, इन दोनों प्रोडक्ट का रिजल्ट मुझे बहुत ही पसंद आया है, मेरे फेवरेट है। आप बोल सकते हैं वन वर्ड में, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगी गाइस ये दोनों प्रोडक्ट मेरे फेवरेट हैं। मैं तो आप लोगों को जरूर सजेस्ट करने वाली हूँ। चलो मैंने वन वर्ड में आप लोगों को बता दिया है जिन्हें लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है। लेकिन अभी इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में गाइस डिटेल्स में हम बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे आदिदेव के ऑनियन हेयर ऑयल के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आदिदेव आयुर्वेदा का जो शैम्पू है ऑनियन शैम्पू उसके बारे में। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर गाइस पैकेजिंग से बात करना स्टार्ट करते हैं। ये है आदिदेव ऑनियन ऑयल की आउटर पैकेजिंग, एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी इसकी आउटर पैकेजिंग है। कहीं से भी आपका प्रोडक्ट ना इन्वेस्ट नहीं होगा, ट्रेवल फ्रेंडली है। ऑल इन्फॉर्मेशन ऑयल के बारे में पैकेजिंग में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऑयल की इनर पैकेजिंग। इनर पैकेजिंग भी गाइस बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की कैप है। ऑल इन्फॉर्मेशन ऑयल के बारे में इनर पैकेजिंग में भी मौजूद है। आयुर्वेद का जो ऑनियन ऑयल है ना गाइस, ये 100% ऑर्गेनिक ऑयल है। इसमें पैराबेन, SLS या फिर मिनरल ऑयल ऐसा कुछ भी मिला हुआ नहीं है। ऊपर से गाइस इसकी जो क्वांटिटी है ना वो है 200 ml, 2 years की सेल्फ लाइफ के साथ ही आता है। इसकी MRP है 899, लेकिन आपको गाइस ये अमेजोन में ना और भी लो प्राइस में मिल जाएगा। आप इसे चाहे तो अमेजोन से बाय कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप आदिदेव के ना वेबसाइट से इसे बाय कर सकते हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे गाइस। आदिदेव के ऑनियन ऑयल में ना रेड ऑनियन ऑयल है, पेपरमिंट है, फ्लैक्स सीड है, अर्गन है, अर्गन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, आमला है, शिकाकाई है, रीठा है, रोजमेरी है, जिनसिंग है, ब्राह्मी, भृंगराज, नीम, लैवेंडर, थाइम, आर्निका, पार्सले, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस ऑयल में मिले हुए हैं। अब बात करेंगे गाइस आदिदेव आयुर्वेदा ने इस ऑयल के बारे में क्या क्लेम किया है। गाइस ये एक पिल येलो कलर की ना ऑयल है, इसमें पोटेंट ऑयल एंड हर्ब मिक्स है। आपके हेयर के लिए, आपके हेयर के स्कैल्प के लिए एक बैलेंस्ड डाइट है ये ऑयल। इसमें सल्फर है, पोटेशियम है, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑनियन है गाइस इसमें, जो आपके एक्सिव हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम चल रहा है अगर आपको, तो उसे ट्रीट करेगा। इसमें ना ओमेगा 3 है क्योंकि इसमें फ्लैक्सीड है, जो आपके हेयर डेंसिटी अगर लो हो गई है तो उसे ये स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके हेयर में ना एक शाइन ऐड करेगा। ऊपर से गाइस इसमें पिपरमेंट है, पिपरमेंट जो होता है ना गाइस वो न्यू हेयर को ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो ना ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हेयर रूट में। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है ब्रेन में, तो आपका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है, साथ में न्यू हेयर ग्रो करता है। अब बात करेंगे गाइस कौन कौन इसे यूज कर सकता है। ऐसे तो गाइस एक आयुर्वेदिक ऑयल है, इसे हर कोई यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को ये सूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो आपका बहुत ज्यादा ये हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर का डेंसिटी धीरे धीरे लो हो रहा है, तब गाइस आप इसे जरूर यूज कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव एक हेयर ऑयल है। ऊपर से अगर आप देख रहे हो आपके हेयर से ना शाइन जो होता है, लस्टर जो होता है ना गायब हो रहा है, आपके हेयर में शाइन कम रहा है, तब गाइस आप इसे जरूर यूज कीजिए। अगर आपका हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्रीजी है, तब भी गाइस आप इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहते हो आपका हेयर एकदम स्ट्रांग हो, तब गाइस आप इसे जरूर यूज कीजिए। बहुत ही अच्छा एक हेयर ऑयल है, मैं आप लोगों को जरूर इसे सजेस्ट करूंगी, क्योंकि गाइस इसमें ना कोई भी मिनरल ऑयल ऐसा कुछ मिला हुआ नहीं है, आपके लिए हमारे लिए एकदम सेफ है। ऊपर से गाइस बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है इसका वर्क है। मैं इसे यूज करती हूँ ना, तो इसे यूज करने के बाद मैंने नोटिस किया है ड्राइनेस का प्रॉब्लम हेयर से ना एकदम दूर हो जाता है, हेयर को एकदम सॉफ्ट स्मूथ बनाता है। मैं इसे वीक में 2 days या फिर 3 बार तो यूज कर ही लेती हूँ। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट अप्लाई करके रख सकते हैं, या फिर
शैम्पू करने से पहले यूज कर सकते हैं 2-3 घंटे के लिए। मैं इसे कभी कभी ओवरनाइट अप्लाई करती हूँ, कभी कभी इसे शैम्पू करने से 2-3 घंटे पहले अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद गाइस मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं कभी भी आदिदेव का ऑनियन शैम्पू को ना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि गाइस मुझे ये शैम्पू ना बहुत ही पसंद है। ये शैम्पू ख़त्म हो जाए इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ अभी ये शैम्पू मेरा ख़त्म हो, इसीलिए मैं इतना ऑयल को वॉश करने के लिए ना इस शैम्पू को यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये शैम्पू ना गाइस बहुत ही माइल्ड एकदम जेंटल शैम्पू है, मुझे बहुत ही पसंद है। क्योंकि गाइस इसका जो एकदम जो चीज़ मुझे पसंद है इसके बारे में, ये मेरे हेयर को ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। ऑयल है ना ऑनियन, वो बिल्कुल भी थिक नहीं है, वो लाइट ही है, बहुत ज़्यादा एकदम हेवी नहीं है जो आपको 2-3 बार शैम्पू करना पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये शैम्पू बहुत ही माइल्ड है, ज़्यादा फोम नहीं बनाता। मैं इसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ इसीलिए मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब बात करेंगे गाइस आदिदेव के ना ऑनियन शैम्पू के बारे में। आदिदेव आयुर्वेदा का जो ये ऑनियन शैम्पू है ना गाइस, ये 100% ऑर्गेनिक है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 200 ml, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स, इसकी MRP है 799, लेकिन अगर आप अमेजोन से सेल में बाय करते हैं तो ये आपको और भी लो प्राइस में मिल जाएगा। गाइस इसमें ना रेड ऑनियन है, मेथी है, अर्गन ऑयल है, आमला है, रामी है, विटामिन ई है, 10-in-1 कॉम्प्लेक्स है, एक्वा है। इस शैम्पू के बारे में ब्रांड ने क्या क्लेम किया है, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। गाइस ये जो शैम्पू है ना गाइस, ये ना आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन करेगा, साथ में गाइस आपके हेयर को ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, एकदम हाइड्रेटिंग एक शैम्पू है गाइस। इसमें ना मल्टी विटामिन ब्लेंड है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। दीदीप आयुर्वेद का ये जो ऑनियन ऑयल शैम्पू है ना गाइस, ये तो बहुत ही अच्छे से आपका हेयर को क्लीन तो करेगा ही, साथ में आपके हेयर में ना एक कंडीशनर का काम करेगा, आपके हेयर को बिल्कुल भी ड्राई डैमेज फ्रीजी नहीं बनाएगा। इसमें गाइस कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, एकदम लाइट वेट है, ज़्यादा ये फोम बनाता नहीं है। इसे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? ऐसे तो गाइस ये शैम्पू बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है, मेन एंड वुमेन बोथ। आप बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपका हेयर का डेंसिटी कम होते जा रहा है, तब गाइस आप इस शैम्पू को ना ज़रूर यूज़ कीजिए। आप चाहते हैं आपका हेयर एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो, आप एक माइल्ड शैम्पू ढूंढ रहे हैं, तब गाइस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपका हेयर से अगर शाइन कम रहा है धीरे धीरे, तब गाइस आप इस शैम्पू को ना ज़रूर यूज़ कीजिए। आप चाहते हैं आपके हेयर में स्ट्रेंथ आए, आपका हेयर स्ट्रांग हो रूट से, तब गाइस आप इस शैम्पू को ना ज़रूर यूज़ कीजिए। ये आपके हेयर के लिए ना एक कंप्लीट केयर है। अभी इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाएंगे, आप खुद देखेंगे, देखिए इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं है। जब तक गाइस आप इसे यूज़ ना कर लो ना, तब तक आपको इसका रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कितना अच्छा ये शैम्पू है। इसमें भले ही आर्टिफिशियल कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन इसका जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, एकदम ऑरेंज ऑरेंज टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है, नेचुरल एरोमा है। दीप आयुर्वेद का ऑनियन ऑयल एंड ऑनियन शैम्पू को गाइस मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूंगी, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं गाइस, मुझे तो बहुत ही बेनिफिट मिला है इन दोनों को यूज़ करके। आप भी इसे ट्राई कीजिए, आपको भी इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, खास करके मैं यहाँ पे शैम्पू की बात कर रही हूँ, मुझे तो ये शैम्पू बहुत बहुत पसंद है। अगर गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है ना, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी मेरे बारे में जानना है तो आप मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मेरे चैनल को नए देख रहे हो ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज गाइस वीडियो को ना यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।